स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर फोर्थ का आपका जो है लेक्चर नंबर फाइव है, कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग। देखिए, इसमें हम कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंक्रीट का मिक्स डिजाइन से मतलब क्या होता है। कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट होते हैं, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, जब इनको अपन मिक्स करते हैं तो एक डिजायर प्रपोर्शन में मिक्स करना और डिजायर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी को अचीव करना ही कंक्रीट का मिक्स डिजाइन कहलाता है। ठीक है, तो इस मिक्स डिजाइन में हम जो है कंक्रीट में जो प्रोपोर्शन है उनकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपको ऐड करना है। जैसे सीमेंट की बात करें तो कितने केजी आपका सीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सैंड की बात करें कितने केजी आपका सैंड होना चाहिए, क्वांटिटी निकालना। ठीक है, एग्रीगेट की बात करें तो कितना केजी एग्रीगेट होना चाहिए, इन सब की क्वांटिटी को निकालना प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शन में डिजाइन मिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है कंक्रीट को दो स्टेट में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है कंक्रीट जो है प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट में कंक्रीट पर जो भी वर्क किया जाता है, अगर वो वर्क किया जा सकता है जैसे कि कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग, ये वर्क अगर प्रॉपरली अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंक्रीट पे, तो कंक्रीट आपकी एक प्लास्टिक स्टेट कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, और हार्डन स्टेट में हम कंक्रीट पर जो भी टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि कंप्रेस स्ट्रेंथ टेस्ट है, तो वो कंक्रीट की हार्डन स्टेट कहलाती है। अगर प्लास्टिक स्टेट में हम कंक्रीट पर वर्क नहीं कर पाएंगे तो जो कंक्रीट है उसको हम फिर प्रॉपरली वर्केबल नहीं है वो प्लास्टिक स्टेट में, तो हम उसको प्लेस नहीं कर पाएंगे, कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इफेक्ट करेंगी और अल्टीमेटली हार्डन स्टेट में भी प्रॉपर्टीज इफेक्ट करेंगी। अब कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग में आगे देख लेते हैं हम। देखिए, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें मिक्स डिजाइनिंग की। देखिए, मिक्स डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ी कि कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर है, जब भी वो कोई बिल्डिंग को डिजाइन करता है तो वो आपको एक मिनिमम स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ कंक्रीट देगा। जैसे सपोज कि वो आपको कह रहा है कि M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से आपको आगे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील से आपको यूज करना है, तो उसने जो भी कैलकुलेशन अपनी डिजाइनिंग में की है वो कैलकुलेशन के ब्याप पर वो आपको जो है मटेरियल की जो है रिक्वायरमेंट आपको देगा। अब आपको उस बिल्डिंग को एक्चुअल में बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो उसने ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दिए, तो आप बाउंड हो गए कि उसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील को यूज में लेते हुए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। अदरवाइज कभी भी फ्यूचर में जब स्ट्रक्चर फेल होगा तो वो डिजाइनर की ड्रॉबैक नहीं होगा, वो फिर कंस्ट्रक्शन जिसने किया है ठेकेदार उसकी गलती मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप इस स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे और इन फ्यूचर कभी स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो फिर उसमें डिजाइनर की गलती आ जाती है। लेकिन अगर आपने इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट और इस ग्रेड ऑफ स्टील के साथ कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो फिर इन फ्यूचर कभी स्ट्रक्चर फेल होता है तो उसमें फिर कंस्ट्रक्शन करने वाले जो ठेकेदार होते हैं उनकी या कंस्ट्रक्शन फर्म जो होती है उनकी ड्रॉबैक माना जाता है, उनकी गलती मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अपन को जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसमें अपन बाउंड हो जाते हैं, डिजाइनर द्वारा दी गई ग्रेड ऑफ कंक्रीट से ही अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को अचीव करने के लिए हमें मिक्स डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है। एडिक्वेट वर्केबिलिटी फॉर फुल कॉम्पैक्शन के लिए हमें मिक्स डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम सीमेंट एंड मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट आपको चाहिए होता है। सीमेंट कंटेंट जो है इंटरलॉकिंग एग्रीगेट में काम आता है, अवॉइड करता है एक्स्ट्रा टेम्परेचर और श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स आते हैं उनको। अब देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो की रेंज मैंने आपको बताई थी 0.4 से लेकर 0.6 तक होती है, तो उसमें आपको ये चीज डिफाइनाइट करनी पड़ेगी मिक्स डिजाइनिंग में कि किस प्रोपोर्शन में आप वाटर सीमेंट रेशियो ले रहे हैं। सीमेंट कंटेंट होता है, सीमेंट कंटेंट जो है आपका एक वैल्यू होती है, हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डिफाइनाइट वैल्यू होती है। जैसे M20 के लिए सपोज कीजिए 320 केजी पर मीटर क्यूबिक सीमेंट कंटेंट है, तो इट मींस आपको एक मीटर क्यूबिक कंक्रीट बनाने के लिए 320 केजी सीमेंट चाहिए होगा। तो 320 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो 6 point something आएगा, ये नंबर ऑफ बैग्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इतने बैग सीमेंट लगेंगे एक मीटर क्यूबिक कंक्रीट में आपके। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी मिक्स डिजाइन से जो है आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें मिक्स डिजाइन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि आपको टाइप ऑफ मिक्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, तीन टाइप के मिक्स जनरली यूज में होते हैं। सबसे पहला आता है नॉमिनल मिक्स, दूसरा आता है स्टैंडर्ड मिक्स, तीसरा आता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल जो मिक्स होता है वो पास्ट स्पेसिफिकेशन या पास्ट रिकॉर्ड्स को देखकर या किसी के एक्सपीरियंस
से लेबर अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा लेती है कि अगर आपको कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कि एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें जो कंक्रीट चाहिए तो वो अंदाजा लगा के बनाता है कि इतनी कंक्रीट चाहिए, तो उसको एक पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, तो उससे वो जो है मिक्स करता है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को, ठीक है, इंश्योर करता है एडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टर्म एज ए नॉमिनल मिक्स, ठीक है। दिस ऑफर सिंप्लिसिटी एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैव ए मार्जिन ऑफ स्ट्रेंथ अबव दैट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर आपको जब छोटा मोटा कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो आप नॉमिनल मिक्स का यूज कर सकते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड को यूज करते हुए। लेबर को आइडिया लग जाता है कि इतनी कंक्रीट, इतनी सैंड, इतनी सीमेंट और इतने एग्रीगेट मिलाने से जो कंक्रीट मिलेगी वो इतनी स्ट्रेंथ की होगी कि जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर लोड्स आ रहे हैं उसको वो फुलफिल कर सके, ठीक है। दूसरा आता है स्टैंडर्ड मिक्स। यहाँ पर क्या होता है स्टैंडर्ड मिक्स में कि अपन नॉमिनल मिक्स फॉर फिक्स, नॉमिनल मिक्स में जब सीमेंट और एग्रीगेट की रेशो को फिक्स कर देते हैं बाय वॉल्यूम, तो वो आपका स्टैंडर्ड मिक्स कहलाता है। स्टैंडर्ड मिक्स में इंडियन स्टैंडर्ड ने M10 से लेकर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को स्पेसिफाइड कर रखा है कि ये स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट होता है, ठीक है। इसमें इनके प्रोपोर्शन फिक्स होते हैं, जैसे M10 की बात करें तो इसमें 1:3:6 का आपको कंक्रीट यूज, मतलब प्रोपोर्शन यूज करना पड़ेगा, जैसे 1% सीमेंट, 3% सैंड एंड 6% एग्रीगेट, ठीक है। अब आप उसको कितने मीटर क्यूबिक में बना रहे हैं उस हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से इसका जो M25 का मिक्स प्रोपोर्शन होता है 1:1:2 होता है, तो इस प्रोपोर्शन में आपको कंक्रीट को मिक्स करके आप जो है डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर M जो लेटर है वो मिक्स प्रोपोर्शन को डिनोट करता है, और 10 और 25 जो है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज के बाद में। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड मिक्स होता है, ये स्टैंडर्ड मिक्स के मिक्स प्रोपोर्शन है नीचे लिखे हुए हैं, जिसको मैंने आपने समझा था। M10 के लिए 136, M15 के लिए 124, M20 के लिए 1.53, M25 के लिए 112। अब डिजाइन मिक्स की बात करें तो डिजाइन मिक्स, दीज मिक्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट इज स्पेसिफाइड बाय द डिजाइनर बट द मिक्स प्रोपोर्शन आर डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो देखिए, आपको डिजाइनर ने कहा कि आपको उसको M25 ग्रेड की कंक्रीट चाहिए। अब जो मिक्स डिजाइन है, यहाँ RMC प्लांट पर जो बंदा बैठा हुआ है उसको आप इसका मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, देन फिर वो क्वांटिटी निकालेगा सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की, फिर उस कंक्रीट से कंक्रीट बनाएगा। कंक्रीट बनाने के बाद वो उस पर स्ट्रेंथ चेक करेगा, अगर इतनी स्ट्रेंथ आती है तो इट मीन्स उसका जो बनाया हुआ मिक्स डिजाइनिंग है वो सही है, तो वो आगे फिर फ्यूचर में इससे कंक्रीट बनाने का स्टार्ट कर देगा कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। तो मिक्स डिजाइन, मिक्स डिजाइनिंग में जो है आपके पास प्रोड्यूसर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो डिजाइनर जिस ग्रेड की कंक्रीट बोलता है उसे उस ग्रेड की कंक्रीट बनानी है, ठीक है, उससे कम ग्रेड की कंक्रीट वो जो है पास नहीं होगी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए डिजाइन मिक्स प्रिपेयर किया जाता है। डिजाइन मिक्स में आप जो है एग्रीगेट का एडमिक्सचर्स भी डाल सकते हैं। एडमिक्सचर्स मैंने अपने डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स पढ़े थे, जैसी आपकी एडमिक्सचर्स की नीड है उस टाइप का एडमिक्सचर्स आप यूज में करके डिजाइन मिक्स बना सकते हैं। M30 ग्रेड से अबव अपन डिजाइन मिक्स जनरली यूज में लेते हैं। M25 ही जनरली आजकल, तो M25 से ही स्टार्ट करते हैं। M25 से लेकर हायर ग्रेड तक अपन डिजाइन मिक्स को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके चॉइस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द मिक्स डिजाइन आर, तो उसमें सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब आपको पता है, मैंने आपको समझाया पहले भी, कि अगर आप M25 ग्रेड की कंक्रीट बनाना चाहते हैं, उसका मिक्स डिजाइन आपने प्रिपेयर किया, तो आपको उसकी भी टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। M25 ग्रेड का 28 दिन बाद टेस्ट करना पड़ेगा, अगर वो स्ट्रेंथ आपको अचीव हो रही है इट मीन्स आपका मिक्स डिजाइन सही है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। तो उस फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। वर्केबिलिटी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। देखिए वर्केबिलिटी क्या है कि आपको वर्केबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है, ठीक है, यानी स्पेसिंग कम है, कम स्पेसिंग में आपको जो है लीन मिक्स कंक्रीट चाहिए होगा। लीन मिक्स कंक्रीट क्या है कि रेनफोर्समेंट को इजीली चारों तरफ से कवर कर लेगा, ठीक है, और कंक्रीट और स्टील के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर आप
हैवी रेनफोर्समेंट में हार्श मिक्स यानी गाढ़ा पेस्ट बनाकर डालेंगे तो वो वर्केबल कंक्रीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ से कंक्रीट को कवर नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है आपका फुलफिल नहीं कर पाएगा रिक्वायरमेंट्स को। तो इसीलिए वर्केबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मिक्स प्रोपोर्शन में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है आपका वो आता है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी आप जानते हैं कि हमने ड्यूरेबिलिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है जो कंक्रीट से कॉन्टेक्ट बनाता है तो उस केस में कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है। तो उस इफ ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर मिक्स डिजाइन बनाना चाहिए ताकि कंक्रीट में जो भी कोई क्रैक्स जनरेट हो तो उनको अपन जो है टाइम रहते रिपेयर कर सके, या वो क्रैक्स जनरेट ना हो। अगर वो क्रैक्स जनरेट हो गए तो फिर कंक्रीट में जो एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं वो एंटर कर जाएंगे और देन फाइनली वो कंक्रीट को डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। वेरियस फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए हैं इसमें, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है, सीजनल मॉइस्चर। नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज एग्रीगेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया कि जब आपको अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़े बड़े साइज के एग्रीगेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े साइज के एग्रीगेट वर्केबिलिटी को तो बढ़ा देते हैं लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं, तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में है कि आपको हर टाइप का एडमिक्सचर्स सॉरी हर टाइप का एग्रीगेट यूज में लेना चाहिए। अगर आपको वेरी लीन मिक्स नॉट डिजायरेबल सिंस इट डिपेंड नॉट सर्टेन इनफ फाइनर मटेरियल टू मेक द कंक्रीट कोहेसिव, तो आपको मैंने अभी समझाया था कि जब ज़्यादा साइज के एग्रीगेट अपन यूज बड़े साइज के एग्रीगेट लेंगे तो वर्केबिलिटी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन उसमें जो आपकी कंक्रीट में जो फाइनर मटीरियल्स हैं वो मिसिंग हो जाएंगे। फाइनर मटीरियल मिक्स मीनिंग मिसिंग होने से कंक्रीट की कोहेसिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है क्वालिटी कंट्रोल। आपने अच्छे से मिक्स डिजाइन बनाया, सब कुछ तैयार किया, लेकिन आपने अगर कंक्रीट को अच्छे से मिक्स नहीं किया या कंक्रीट को प्लेस नहीं किया या कंक्रीट की प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की तो आपका ये फैक्टर जो है आपकी जो स्ट्रेंथ डिजायर स्ट्रेंथ है उसको अचीव नहीं होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिक्स डिजाइनिंग। द कॉमन डेजिग्नेशन आप जानते हैं कि मिक्स डिज़ाइन बनाते टाइम हमें जो है एम से हम डेजिग्नेट करते हैं और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो आफ्टर 28 डेज बाद निकल के आती है। तो ये आपका जो है मिक्स डेजिग्नेशन होता है। एंड फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर मिक्स डिजाइनिंग में आपको जैसे कि सब रिस्क करो ग्रेड, कौन सी कंक्रीट की चाहिए आपको, किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है आपको, ठीक है, कितनी सीमेंट चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका जो है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, वर्केबिलिटी कैसी चाहिए, स्पेसिमेन का साइज सेफ, रेनफोर्समेंट कैसा है, तो जो भी फैक्टर्स जो मिक्स डिजाइनिंग में अपन ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके चलते हैं ताकि हमें एक डिजायर मिक्स डिजाइन मिल सके और जिस क्वालिटी और ग्रेड की कंक्रीट आप बनाना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। तो ये लेक्चर वीडियो यहीं खत्म करते हैं।